क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? आज शादी का है, कौन सा दिन? पांचवा दिन है शादी का, ठीक है? तो क्या क्या? जब तक बहू नहीं आएगी यहाँ पर गीत होते रहेंगे, साज, कोबर, बरियाती, पराती, सब पराती बंद है, बन्ना बन्नी सब होता रहेगा। हाँ, सब होता रहेगा। शाम को सभी आते हैं और हम लोग गीत गाते हैं और हेलो खाते पीते। यहाँ सब कुछ हो चुका है क्योंकि करीब 8 बज रहे हैं और मैं ना मीटिंग में ही था, तो इसलिए मैंने अभी तक रिकॉर्ड 7:30 हुए तो मैं अभी तक मीटिंग में था, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी शुरू नहीं कर पाया। सारा दिन बिजी ही था, ब्लॉग एडिट कर रहा था, आप लोग के सुंदर कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था। तो यहाँ खाना पीना सब कुछ हो रहा है ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? इंजॉय कर रहे हैं ना ब्लॉग? शेयर किया है या नहीं? कितने सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने डाले हैं, सारे शादी के एक एक रिचुअल दिखाया है। कोशिश की है कि हर चीज दिखाऊं और हर चीज दिखाई भी है ना दीदी? प्लीज ब्लॉग्स को शेयर करिए, भर भर के कमेंट्स करिए, लाइक करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। यार आप अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से। और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, करिए। देखिए हमारी भाभी जी, पुरानी वाली भाभी जी क्या कह रही हैं। आज हीरोइन भाभी नहीं आई हैं, पुरानी वाली भाभी आई हैं। और इन भाभी का मैंने कुछ नाम नहीं रखा है, तो बस राजस्थानी भाभी बोलते हैं हमें, हम इन्हें, क्योंकि ये राजस्थान से हैं। तो गाना वाना गा के सभी यहाँ से निकल रही हैं, थोड़ी बहुत पेट पूजा भी करके यहाँ से सभी निकल रहे हैं। माल भी लेके जा रहे हैं भाभी कह रहे हैं। तो चलिए फिर, बाय बाय। बहुत दिनों से क्या हो रहा है कि बच्चों को ना मैंने ब्लॉग में दिखाया ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई बच्चों को आप ब्लॉग में क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बच्चे कर क्या रहे हैं। हम भी दिख रहे थे कैमरे में, हम भी बच्चे हैं किसी के। हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आप लोग फॉर्मल हेलो, फॉर्मल हेलो मैं अभी कहता हूँ, अभी बताता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं सारे। कोई सो रहा है, कोई इधर उधर पढ़ रहा है, घर को कबाड़ा बना रखा है। क्या चल रहा है अनिया? पढ़ रहे, एग्जाम है। आप क्या कर रहे हो प्रथम? और आप क्या कर रहे हो कार्तिक? कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है तो मैथ्स पढ़ रहा हूँ। और आप सभी को गुड इवनिंग एंड राधे राधे। सब बोल लीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो मम्मी आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? परिछन ढूंढ रही हूँ, कन्या परिछन के गीत मम्मी तौके छथिन। देखियो कत्ते पुरान इनका पास एक कॉपी राखल छे, जाय में गीत सब लिखल छे, सब परिछन सब के गीत लिखल छे, लिखने छी से हमरा भेटे ये नहीं तो ठीक छे। तो यह सब घर में चल रहल छे। हेलो नहीं कह लिए आए, हेलो हेलो गाइज, देखते रहिए सब कुछ। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है हमारा ये ब्लॉग, कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा, बताइए कैसा लग रहा है। बेल बटन दबा लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए। ठीक है, तो देख लिया आपने क्या कर रहे हैं सभी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, इतनी सारी शेयरिंग भी हो रही है, तभी तो हमारी फैमिली ग्रो कर रही है। बहुत जल्दी इस पे भी एक वीडियो आने वाला है भाई लोगों, जब ये शादी और गौना का यानी दुरागमन का सब कुछ जो है ये संपन्न हो जाए, उसके बाद हम एक ब्लॉग बनाते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए, हमारे सारे ब्लॉग देखते रहिए, प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, 50,000 व्यूज आ रहे हैं भाई लोगों, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। आपको अच्छा भी लगता है तो आप सब्सक्राइब करके नहीं जाते, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, फिर एंड तक देखिए। बिल्कुल, पहले सबसे पहला काम है सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब करिए। और आज है वेंसडे, वेंसडे मार्केट लगी हुई है घर के आगे। हमें क्या करना है कि हमें कुछ कुछ सामान लेने जाना है, छोटा छोटा, जो फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप नहीं ले सकते, ना ही पापा ला सकते हैं और ना ही रोज की मार्केट से ले सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो मैं एक घंटे के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मार्केटिंग करते हैं अपने किचन को कि मैं आती हूँ एक घंटे में। हाँ बिल्कुल, और देखते हैं फिर क्या क्या होता है आगे जी। चलिए चलिए, तब तक ब्लॉग्स को प्यार देते रहिए, लेकिन
कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि कैसा लग रहा है व्लॉग। देखिए हमारी मस्ती कैसी लग रही है, हमने सिरर भराई किया जो का व्लॉग डाला है इन्होंने, देखिए हमने कितने मजे किए हैं लड्डुओं में रख के क्या। मुझे तो एडिट करते करते ही बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे। और हमारी हमारा लुक मेरा और दीदी का आपको कैसा लगा, हमने बिल्कुल सब बताई, सब देखिए एंजॉय करिए। खुद बाजार में आपको दुनिया भर का सामान मिल जाएगा, अलग अलग तरीके का, हर तरीके का सामान यहाँ मिलता है। मैं एक हाइपरलेस बनाने की कोशिश करूंगा जब हम वापस जा रहे होंगे। तो अंगूर तो भाई लोग हैं 60 रुपए किलो, यहाँ देखिए कितने मोटे मोटे दिख रहे हैं। हाँ ये देखिए कितने मोटे मोटे अंगूर हैं, 60 रुपए किलो ही लिए हमने, बहुत सस्ते हो गए हैं, पिछले हफ्ते 100 रुपए किलो थे। पहचान लिया इन्होंने जबकि हम मास्क लगाए हुए थे। हाय कर दीजिए और बोलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। हेलो सब्सक्राइब करिए। बहुत खुशी हो रही है हमें इस तरह से लोग मिल जाते हैं। तो बच्चों को मैं गाने भी सुनती हूँ ना भैया, ना चिप चौक पे है ना, वो मंदिर कहाँ है भैया? सामने ही है। नहीं नहीं ये वाला नहीं, जो आप मंदिर जो सामने ही है राधा माधव मंदिर। तो बने रहिए व्लॉग में, हाइपर लैब से मैंने डाला है इस व्लॉग में। और आ गए हैं हम घर। क्या कर रहे हो बच्चों आप लोग? हम कह रहे थे पापा लेट आए हैं, मतलब थोड़ा टाइम लग गया, तो हम कैरम खत्म भी कर दिए थे तभी आए पापा। हाँ मजा आया कैरम खेलने में। प्रथम जीत गया, लास्ट में ये रानी ले आया। हाँ क्वीन ले गए। अंदर क्या है, क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। घर तो हमारा अभी चिड़ियाघर बना हुआ है, सामान और ये वो दुनियादारी। अच्छा इधर दीदी भी आई पड़ी है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है चलो क्या क्या सामान लाए हैं ये पता चली जाएगा। हाँ बहुत जरूरत की छोटी छोटी मोटी आइटम्स। तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही हूँ। यहाँ पे ये बन रहे हैं राम लड्डू। दरअसल ये मूंग की दाल के जो है वो लड्डू है जो बाहर आप खाते हो, वही राम लड्डू यहाँ पे बन रहे हैं। और उन राम लड्डुओं को अनु बहुत ही टेस्टी बनाती है, इतने ही प्लफी होते हैं ये तो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब भी आते हैं हम इनसे बनवाते हैं। बच्चों तो खा चुके हैं लेकिन अपने भैया के लिए बना रही हूँ। हाँ बच्चे खा चुके हैं तो मेरे लिए बना रही है अनु। और अनु कैसी लग रही है बताना। अनु ने पटमाइश इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसके ससुराल में कुछ किसी रिलेटिव में मिस हैपनिंग हो गई, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, किसी भी शुभ कार्य में इसका शामिल हमें नहीं करना था, इसलिए पटनाइश नहीं किया था अनु ने। है मम्मी यही रीजन था ना? हाँ, हाँ, हाँ। यही रीजन था ना? हाँ, तो अब क्या हो रहा है, अब जो है वो संध्या का गीत होगा। हाँ, हाँ। मेरी मीटिंग है, आप लोग जल्दी जल्दी एक गीत गा लो ताकि मैं जल्दी से आपको रिकॉर्ड कर लूं, है ना। इधर बच्चा लोग क्या कर रहे हैं? वो पापा लोग ना स्टेशनरी में स्टेशनरी का वो सामान। कैसा लगा आपको स्टेशनरी का सारा सामान? अच्छा हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा पेन था वो। उसमें दो पेन मैं अपने लिए भी लाया हूँ। हाँ आपके पास तो पहले से ही बहुत सुंदर सुंदर इरेजर हैं। लेकिन आई नहीं है, लेकिन जो पेंसिल का वो स्टेशनरी आता है ना उसमें मिला है। तो सब बोल दीजिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। हाँ बिल्कुल, और बेल आइकन जरूर दबा लेना है सबको। बिल्कुल, भर भर के कमेंट्स करने हैं ना, सारे दोस्तों को शेयर करना है। पापा 5 बजे तक रात तक उठे और जब के रिप्लाई का वो करे, कमेंट्स का रिप्लाई दे। हाँ बिल्कुल। कल रात भी यही हुआ है, 3 बजे तक मैंने कमेंट्स का रिप्लाई किया है। और यहाँ पे मम्मी क्या सांझ की तैयारी कर चुकी हैं? आज ज्यादा लेडीज क्यों नहीं आई मम्मी? आज मेरे ख्याल से सबके घर में अपना अपना काम था। हाँ रोज तो आती है। तो शुरू करूँ कोनो साँझ? साझा पड़िए साझा सीखा दे
बहुत ही बढ़िया। अतबे हुई छे गीत बहुत सारे ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं भैया के लिए लेके आई हूँ, वो भैया खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। बिल्कुल मैं खा के बताऊंगा कि ये कैसा लग रहा है, देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग है और ये हमेशा ही अच्छा बनाती है। रंग रे जब सुए घर पछुआ रंग रे जब सुए लील रंग साड़ी छापी दे हरे चुंदरिया सुहबे के लील रंग रंग साड़ी छापी दे हरे चुंदरिया सुहावे के लील रंग हे से हो साड़ी पाई रतुमनिका सुहावे से हो साड़ी पाई रातु मनिका सुहबे ए पहिरे ओढ़िए गोबर ठार रे चुंदरिया सुहबे के लील रंग हे घोड़बा चढ़ल अब की मनीष दुल्हा गीत में होइ छे ओना नहीं चढ़ा दे छे लोग धाए बिलावा उरे चुंदरिया सुहावे के लील रंग हे छोड़ू छोड़ू आए प्रभु जी हमरा चढ़बा हे छोड़ू छोड़ू आए प्रभु जी हमरो चढ़बाए हे सुनी पाइए मामी हमार रे आ चढ़बा तरछी पाए रखिए हे सुनी पाइए सुहबे मामी सुन तो हे जो तोड़ा सुहबे मामी सुन तो हे भोड़ ले बाडोली या फानाए रे आ चढ़वा उनी कर सुन कर बनी। कितना ही इमोशनल गाना था ये, बहुत ही ज्यादा इमोशनल, मैं तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी की भी बेटी उसके घर से विदा होती है बहुत ही ज्यादा दुख होता होगा उनको। तो ये बनाया है अन्नू ने मेरे लिए, कितना टेम्पटिंग लग रहा है आप देखिए। तो यहाँ पे मैं आप खाने लगा हूँ क्या ये राम लड्डू, राम लड्डू खा के आपको बताता हूँ कि लग कैसे रहे। अंदर से इतना ही सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है और साथ में मूली और ये हरी चटनी जो है ना ये कमाल कर रही है। जब भी ये आती है ना 1.5-2 किलो दाल तो इसी में खत्म होती है हमारी। क्यों दीदी इधर आ ना, फ्रंट कैमरा है, आ तो बहन खा ले। खा खा के थक गई हूँ, 2 प्लेट मुझे बना के खिला। दीदी डकारे मार रही हैं। हाँ। अब मेरी बारी है। और ये देखो मैं जीजाजी के लिए चकोरिया के लिए भी भेज रही हूँ। जीजाजी और चकोर के लिए भी जा रहे हैं।
आज कुछ ना स्पेशल रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ मैं। देखता हूँ कि मैंने इन्हें बताया हुआ है काफ़ी दिन पहले, इन्हें याद है यानी, ठीक है? आप बने रहिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। अरे यहाँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे सांझ सांझ और कोबर रोज रोज हर अलग अलग घर में बैठ के सांझ कोबर गाते हैं। और चकोरिया यहाँ पे सो रहा है, इसको नींद बहुत आती है भाई लोगों। और इधर दीदी बैठी हुई है सबके सब, कोबर का गीत गा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं उस कमरे में दिखाता हूँ आपको, रुकिए देखिए क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे। पूरे घर में रजाई रजाई गद्दे ही गद्दे, क्या हो रखा है, क्या चल रहा है? अच्छा जी के लर्न कर रहे हो, मुझे पहले से ही मैं रिवाइज कर रही हूं। अच्छा आप रिवाइज कर रहे हो, आप क्या 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 कर रहे हो आप? और अभी मेरा आर्ट का एग्जाम है तो आर्ट का तो पूरा कंप्लीट है, इसलिए कंप्यूटर का कर रही थी। आप क्या कर रहे हो प्रथम? भाई जी कहाँ हैं? भाई जी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, 1000 तक काउंटिंग लग रहा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोगों को सांझ को भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कहा रिकॉर्ड ही कर दूं पूरा। Yeah.